मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कुत्ते को बांध कर रखने वाली चैन से गला घोट कर की पत्नी की पति ने हत्या। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां लॉकडाउन के दौरान एक युवक और युवती के बीच हुई दोस्ती के बाद अगस्त में शादी हो गई, जिसके बाद अक्टूबर आते आते दोनों के बीच विवाद के हालात बनने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर पति खुद थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक पति ने कुत्ते की जंजीर से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो किचन से चाकू निकालकर 22 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। तो वही दूसरी ओर जालना में अवैध संबंध को लेकर एक 32 वर्षीय महिला और उसके 27 वर्षीय शादीशुदा बॉयफ्रेंड की ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर हत्या करने के आरोप में महिला के ससुराल के दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महिला के पति की 10 साल पहले मौत हो गई थी। बॉयफ्रेंड द्वारा पहले भी महिला के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की गई थी। तो वही तीसरी ओर पुणे में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि दो अन्य फरार हैं। नाबालिग के परिवार ने एफआईआर में बताया कि पहले एक ऑटो रिक्शा चालक, फिर बस टर्मिनल पर एक अन्य शख्स ने उसका रेप किया। दूसरे ने उसे पुरंदर की बस में बैठाया, जहां पहुंचकर दो अन्य लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।